दोस्तों इंडियन पोस्ट ऑफिस वालों भर्ती 2023 लिए फ्रैश नोटिफिकेशन जारी किया गया जी, जिदे 30,000 प्लस पोस्टां लई तुसीं अप्लाई कर सकोगे। जेकर तुसीं 10वीं पास की है तो तुहाडे लई बहुत ही वधिया मौका आ चुका जी। दोस्तों अप्लाई तुसीं करना कि मैं ते कौन कौन अप्लाई कर सकदा सारी जानकारी डिटेल च देंगा, कृपा करके वीडियो नूं लास्ट तक जरूर देखियो। दोस्तों जेकर तुसीं मेरे चैनल ते पहली बार विजिट कर रहे हो तो तुसीं मेरे चैनल नूं सबसक्राइब करन दे नाल नाल बैल आइकन नूं प्रेस करके छड्ड दिओ जी। दोस्तों पंजाब स्टेट विच जदों भी नवीं भर्ती आवे उहदी सही अदेश जानकारी सब तो पहले तो मिल सके। चलो दोस्तों वीडियो शुरू कर दें। दोस्तों यदि भर्ती नोटिफिकेशन जारी किया गया जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट नई दिल्ली वालों नोटिफिकेशन जारी किया गया जी। वख-वख पोस्टां लई तुसीं अप्लाई कर सकोगे। पोस्टां ने जी ग्राम डाक सेवक, ब्रांच पोस्टमास्टर, असिस्टेंट ब्रांच पोस्टमास्टर दी पोस्टां लई तुसीं अप्लाई कर सकोगे। दोस्तों जानकारी चंगी लगी तो वीडियो नूं लाइक अते वीडियो नूं अपने प्यारे मित्रां नाल शेयर जरूर करियो जी। दोस्तों इन्हां पोस्टां लई अप्लाई तुसीं करना जी ऑनलाइन अप्लाई 3/8/2023 तो स्टार्ट हो चुका जी, जो लास्ट डेट है जी 23/8/2023 तक तुसीं इन्हां पोस्टां लई ऑनलाइन अप्लाई कर सकोगे। जेकर ऑनलाइन अप्लाई करते समय कोई गलती हो जाती है तो तुसीं करेक्शन कर सकोगे जी 24/8/2023 तो 26/8/2023 तक। इन्हां पोस्टां लई पे स्केल कुछ इस प्रकार जी। पोस्ट नंबर 1 जी, जो BPM दी पोस्ट है जी, इस पोस्ट लई 12,000 तो लेके 29,380 रुपये प्रति महीना पे दी जाएगी। नंबर 2 है जी ABPM डाक सेवक दी जो पोस्टां ने जी, उन्हां पोस्टां लई 10,000 तो लेके 24,470 रुपये प्रति महीना पे दी जाएगी। दोस्तों इस नोटिफिकेशन का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे देवगा, उतो तुम डाउनलोड करके एक बार चंगी तरह पा लेना जी। दोस्तों इन्हां पोस्टां लई उम्र हद है जी 18 तो लेकर 40 साल तक के उम्मीदवार अप्लाई कर सकते हैं जी, और एज रिलैक्सेशन दिता जाएगा। SC ST लई है जी 5 साल का जी, OBC लई 3 साल का जी। जो EWS उम्मीदवार ने उन्होंने कोई भी एज रिलैक्सेशन नहीं दिता जाएगा। जो PWD उम्मीदवार ने जी, उन्होंने 10 तो लेकर 15 साल का एज रिलैक्सेशन दिता जाएगा। जो उम्मीदवार होंगे जी अप्लाई जरूर करो जी। दोस्तों विद्यक योग्यता कुछ इस प्रकार है जी, 10वीं तुसीं पास की है और लोकल लैंग्वेज की चंगी जानकारी है तो तुसीं अप्लाई कर सकोगे। केवल 10वीं के बेस पर तुहाडा सिलेक्शन किया जाएगा। जो तुसीं 10वीं पास की होनी चाहिए है जी, मैथ अते इंग्लिश सब्जेक्ट नाल पास किया होना जरूरी है जी। प्लस कंप्यूटरी तो नॉलेज होनी चाहिए है, साइकल की तो नॉलेज होनी चाहिए है, अते लोकल जो लैंग्वेज है उसकी जानकारी भी तुहानू होना बहुत जरूरी है जी। 10वीं के बेस पर जो अंक प्राप्त किए जाएंगे जी, उन्होंने आधार पर ही तुहाडा सिलेक्शन किया जाएगा। अंक कुछ इस प्रकार होणगे जी, इत्थों तुसीं देख सकते हो जी, ग्रेड A 10 अंक होणगे जी, ग्रेड 2 9 अंक होणगे जी, B1 8 अंक होणगे जी, B2 7 अंक होणगे जी, C1 6 अंक होणगे जी, C2 5 अंक होणगे जी, D दे 4 अंक होणगे जी। इन्हां अंकां दे आधार ते तुहाडा सिलेक्शन किया जाएगा। दोस्तों इन्हां पोस्टां लई जो एप्लीकेशन फीस रखी गई है 100 रुपये एप्लीकेशन फीस रखी गई है, जो तुसीं ऑनलाइन पेमेंट करनी होवेगी जी। जो पंजाब दे उम्मीदवार ने उन्हां लई बहुत ही वधिया मौका आ चुका जी, वो अप्लाई जरूर करियो जी। दोस्तों उम्मीद करता मेरे द्वारा जानकारी तुहानूं चंगी लगी, वीडियो देखने तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद।